अरे शुक्र मनाओ, अभी चाय से गुजर बसर हो रहा है, चाय से। जिस दिन गाय वाला आ गया ना भैया, उस दिन काढ़ा पीना पड़ेगा। अयोध्या रामलला का मंदिर का मेन द्वार है ये, जो रावण कंस के वंशज है। भैया मोदी का नाम सुनते ही विरोध करना चालू करते हैं। भैया मोदी जिंदाबाद। रामलला का दर्शन करने मुसलमान लोग भी आ रहे हैं। आ रहे हैं भैया, मोदी आया है, राम राज लाया है। लोग आपको अंधभक्त बोलेंगे, गोबर बोलेंगे, सूर्य गोबर खाते हैं क्या है? आप हमें अंधभक्त बनाते रहिए और समय समय पर काशी अज्ञान वापी देते रहिए। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी तो जेल में जाएंगे, 400 पार आने तो दो। कम से कम राहुल गांधी को तो मौका देना चाहिए। राहुल गांधी भैया, राहुल बाबा को कौन पहचानता है? उनको बच्चे बच्चे कहते हैं पप्पू है भैया। वो पागल आदमी आएगा तो देश बेच देंगे। 2017 के पहले तो अखिलेश भैया खा गए, जो कुछ मोदी जी देते थे वो अखिलेश भैया खा जाते थे। एसी बस मिलेगा कभी तो सोचा नहीं था हमें एसी में बैठने के लिए। आप बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं मोदी जी का, 5 काम गिनवाई जरा। आयुष्मान भारत, चलो एक, हर आदमी को प्रधानमंत्री आवास। उस समय जो जिला प्रशासन थी उनके द्वारा राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, और आज देख लीजिए वही प्रशासन वही है, सिस्टम वही है, लेकिन राम भक्तों का अयोध्या में सेवा किया जा रहा है रात के 12 बजे। यही प्रशासन आज राम भक्तों का सेवा कर रही है, ये समय समय का फेर है। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ मंदिर ब्राह्मणों का है, उनको क्या कहना चाहते हैं? राम सबके हैं। अयोध्या रामलला का मंदिर का मेन द्वार है ये, यहीं से श्रद्धालु आते हैं, एंट्री करते हैं और दर्शन करते हैं। और वहाँ पे 11 बजे रात में मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और साथ साथ यहाँ की जनता है जो दूर दूर से आई, हर एक राज्य से, कोई महाराष्ट्र से है, कोई मध्य प्रदेश से है, अनेकों राज्यों से आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं। और वैसे में जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आती है तो नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं, राहुल गांधी नहीं दिखते हैं। राहुल गांधी खड्डे में गिर गया। मोदी जिंदाबाद। कहाँ के रहने वाले हो भाई? हम तो इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से हैं। अच्छा, जाते जाते हम इलाहाबाद से हैं, आप तो क्या लगता है कि इस बार 400 पार होगा? क्यों नहीं होगा, मोदी है तो सब मुमकिन है। नहीं हो पाएगा, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा। वो विपक्ष तो गड्ढे में गिर जाएगा, पहले 400 पार होगा। आप यहीं पे सर्वे कर रहे हैं, आपको विपक्ष दिखा केवल एक व्यक्ति, दिखा राहुल की जय कहने वाला। हाँ। बाकी आप इतने कैमरा घुमा लो, हर कोई जय हो मोदी, जय हो मोदी। हाँ। अरे शुक्र मनाओ, अभी चाय से गुजर बसर हो रहा है, चाय से। जिस दिन गाय वाला आ गया ना भैया, उस दिन काढ़ा पीना पड़ेगा। अच्छा, हाँ भैया, गाय वाले की बात कर रहे हो? अरे गाय वाला तो भैया बहुत डेंजर है बाबू। हमको दो रूप में बैठाया है, पहले आए कोई अतिथि देव भव, लोटा लेके पानी पिलाओ भैया, और शैतानी करे, हेरा फेरी करे, बदतमीज, सोटा है भैया, सोटे से मारोगे, कौनो सुनवाई नहीं है, बल्बे टुकाई। अच्छा, हाँ, योगी पीएम बन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अरे हमारे भैया करे बाद जो पक्षी दिखा थे ना, ये सब सारे बिल्मा चला जाइए हैं, जैसे माफिया चला गई वैसे यो बिल्मा घुस जाइए हैं। विपक्ष है कहाँ पे? राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी तो जेल में जाएंगे, 400 पार आने तो दो। पूरा खानदान अगर मोदी अंदर न कर दिया, क्या कहना भैया। अरविंद केजरीवाल जी का बंगला देखे थे, करोड़ों रुपए का बनवाया था, बोला हम आम आदमी हैं। आज उसकी नजर देखो ऐसा हो गया, जेल में बीत रहा है उसका। भाई अयोध्या का विकास ऐसा है भैया, जितनी महंगी गाड़ी आपने देश में देखी होगी, सारी की सारी महंगी गाड़ी भाई इसी सड़कें में चल रही है, इस सड़क पे चल रही है। दिखाइए बस भैया, 10 रुपए में लता चौक पहुंचाता है, 10 रुपए में शहादतगंज पहुंचाता है, मतलब अयोध्या की कनेक्टिविटी से जोड़ रखा है बढ़िया बस। अच्छा। एसी बस मिलेगा कभी तो सोचा नहीं था हमें एसी में बैठने के लिए। कभी आप सोचे नहीं थे कि अयोध्या में एसी बस में बैठने? बिल्कुल नहीं सोचे थे भैया। 2022 में जब शिलान्यास हुआ था उसके बाद तो यहाँ विकास आना चालू हुआ। 2017 के पहले तो अखिलेश भैया खा गए, जो कुछ मोदी जी देते थे वो अखिलेश भैया खा जाते थे। 2017 में दो पहला दीप उत्सव हुआ, 51,000 दिया जलाए गए, तभी भी हमारे पर उंगलियां उठी, ये तो तेल फूंक रहा है, ये कर रहा है। आप बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं मोदी जी का, 5 काम गिनवाई जरा। अरे हमारे भैया रोटी दे दी, इनका नारा रहता था गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, जो कि इंदिरा जी देते थे, आज राहुल गांधी भी कहते हैं। आप मोदी जी का 5 काम गिनवाइए। हमारे भैया आयुष्मान भारत, चलो एक, हर आदमी को प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कितनी योजनाएं गिनेंगे भैया, गिनाने लगूंगा सुबह हो जाएगा। इसकी फायदा मिली हमारे भैया, जब मैं 2000 जब लॉकडाउन लगा था, अनवर मिला, जब घर वर मिला, मैं बताता हूँ, जब लॉकडाउन लगा था उस समय मैं महाराष्ट्र से पलायन करके आया था, नौकरी थी नहीं, बेरोजगार था भाई, छत भी नहीं था, तिरपाल के नीचे सोता था। पहले मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला मिला। यार एक बार
कम से कम राहुल गांधी को तो मौका देना चाहिए। राहुल गांधी भैया, राहुल बाबा को कौन पहचानता है, उनको बच्चे बच्चे कहते हैं पप्पू है भैया। अब पप्पू की कितनी खातिरदारी होगा आप सोच ही सकते हो भैया। बात सही है भाई, पप्पू की कितनी खातिरदारी होगी तो आप सोच ही सकते हो। देखिए भैया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये अयोध्या धाम है, राम लला का ये धरती है और पूरी सृष्टि जो है हमारा राज प्रभु श्री राम की, वही हमारे राजा हैं और उनके ही भवन में उनको रखा, महल में उनको जाने नहीं दिया था, एक तंबू में रखा गया था, तंबू में बिता रहे। और उस समय जो जिला प्रशासन थी उनके द्वारा राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, और आज देख लीजिए वही प्रशासन वही है, सिस्टम वही है, लेकिन राम भक्तों का अयोध्या में सेवा किया जा रहा है रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यही 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 प्रशासन, यही प्रशासन, यही प्रशासन, यही प्रशासन आज राम भक्तों का सेवा कर रही है। ये समय समय का फेर है, मोदी आया है, राम राज लाया है, और जो राम राज आया है वही उसको हम लोग लाएंगे दिल्ली का सिंहासन पे, उसे फिर से बिठाएंगे। मजाल है क्या, सुनिए सुनिए, मजाल है क्या, एक भी झंडा कांग्रेस का कहीं दिखा दीजिए, अगल बगल गर्व से बीजेपी का कमल फूल का झंडा लहरा रहा, घुमा के दिखा दीजिए, लोग कहेंगे, लोग आपको भक्त बोलेंगे, दिखा दीजिए। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना मेरी बात, लोग आपको भक्त बोलेंगे ना मेरी बात, लोग आपको भक्त बोलेंगे, लोग आपको अंधभक्त बोलेंगे, गोबर बोलेंगे, सुनिए गोबर खाते हैं क्या, ऐसे ऐसे कमेंट बोलेंगे। सुनिए सुनिए मेरी बात को, सुनिए, जो जो लोग अंधभक्त कहते हैं हम ऐसे अंधभक्त बनना स्वीकारते हैं, आप हमें अंधभक्त बनाते रहिए और समय समय पर काशी अज्ञान वापी देते रहिए, मथुरा देते रहिए, और ऐसे से 15,000 मंदिर जो इन मुगल आक्रमणकर्ताओं ने हमारे मठ मंदिर को छीना है वो सब देते रहिए, हम अंधभक्त बनते रहेंगे। अंधभक्त बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल है, गर्व करते हैं हम, गर्व करते हैं, हमको भक्त कहते हैं, भक्त कहते हैं, राम के भक्तों को भक्त कहते हैं, मोदी के भक्तों को अंधभक्त, क्योंकि राम के भक्त और मोदी के भक्त एक है, कोई फेर नहीं है भाई। जो राम को चाहता है वो मोदी को चाहता है, और जो रावण कंस के वंशज है, जो रावण कंस के वंशज है भैया, मोदी का नाम सुनते ही विरोध करना चालू करते हैं भैया। और भक्त कहना का कम से कम कोई चमचा चटकार चुंगलखोर तो नहीं कहता, भक्त कहता है, गर्व करता हूँ भक्त है, श्री राम का नाम पे माथा लगा हुआ है भैया। नहीं तो एक समय था तिलक लगाना गुना था, तिलक लगा के आप नहीं जा सकते थे। हम कभी जब यहाँ आते थे, जब हम लोगों के मुख से निकलता था रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तब ये विपक्षी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, तब इनको हम समझाते थे बेटा भंडारा भी खिलाएंगे, अब आओ रामलला के दर्शन भी कराएंगे, भंडारा भी खिलाएंगे, आओ तो सही। अच्छा एक सवाल है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कोई नहीं चाहता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, राहुल गांधी पंतप्रधान बनना बोल के नहीं आएगा, वो पागल आदमी आएगा तो देश बेच देगा, वो पागल बोल रहे हैं, पागल है। 14 के पहले कुछ मिलता था, आप ही महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में हम लोग पलायन करके मतलब महाराष्ट्र में कमाने को जाते थे, जब 10वीं हम लोग पास करते थे हमारे यहाँ के युवा जब। अच्छा एक समुदाय के लोग है जो कहते हैं कि मंदिर में सिर्फ ब्राह्मणों को मिलती है रोजी रोटी, और जाति को नहीं मिलती है। हमारे भैया इसी अयोध्या नगरी में कम से कम 10,000 पब्लिक आप ढूंढोगे, 10,000 लोग ऐसे है जो फूल माला से लेकर के प्रभु जी की तस्वीर तक बेच रहे हैं भैया, और कहा चाहिए रोजगार, रोजगार मिला है। कहते हैं देखिए ऐसा बोला जाता है, एक समुदाय है जिसमें बोला जाता है कि मंदिर में ब्राह्मणों का होती है, वहाँ पे छोटी जातियों को जो है उसमें वैल्यू नहीं दिया जाता है। हमारे भैया हाँ, इसमें क्या कहेंगे? इसी जगह पे आप आए हैं, आप कभी भी यहाँ गेट पे खड़े हो जाइए, वहाँ पे देखिए तरह तरह के विभिन्न विभिन्न के लोग आएंगे, राम नाम लगे माथा टेक रहे हैं। यहाँ तक की जो आप विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं उसके भी कुछ लोग 2-4-10 तो मिल ही जाते हैं, जो घर वापसी करके चले आ रहे हैं, आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, वो तो सीधा कहते हैं हमारे हमारे जब आप कह रहे हैं कि रामलला का दर्शन करने के लिए मुसलमान लोग भी आते हैं, हमारे भैया आ रहे हैं, आपने देखा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई मुसलमान नहीं है, डेली दिखाऊंगा मैं आपको, आप आइए हमारे साथ में शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, दो चार लोगों को तो मैं जरूर दिखाऊंगा। कल की डेट में राजपाल जी आए थे, अच्छा वो कल की डेट में राजपाल जी आए थे, राजपाल जी, हम जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? बिल्कुल 100% सच है, और वो भी वो लोग आ रहे हैं जैसे कुछ लोग हैं। आपने कभी फोटो खींचा उनका? भाई फोटो मोबाइल तो अलाउ नहीं रहता, बाकी तो पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास, अगर मैं अगर गूगल पे मैं सर्च मारूंगा तो मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप ही के मीडिया के मार्फत से मिल जाएगा।
22 तारीख के बाद उसके और काफी दो तीन जट्टा आ चुका है मुसलमानों का और वो घर वापसी कर रहे हैं। हम तो सभी से, हम तो अखिलेश भैया से कहते हैं, वो कहते हैं मधुबन सिंह है, अरे आइए कम से कम एक बार माथा टेकिए, एक बार माथा टेको फिर मथुरा की तैयारी कर लो, अच्छा आप राज करो। हम तो बाबा जी हैं, बाबा सन्यासी आदमी। मथुरा में क्या बाकी है? मथुरा, अरे हमारे भैया कुल मथुरा में तो वही लेके बैठा है। हाँ। का होगा मथुरा में हमारा? हाँ, खाली पब्लिक जाती है, पुराना खड़ार मर देख के चला आता है। हाँ। अगर की सरकार थी, सपा की सरकार थी, पीछे ए बाप दे, कहाँ घर है आपका? मिल्कीपुर अयोध्या जिला, जिला अयोध्या मिल्कीपुर। पहले फैजापुर बोलते थे? नहीं नहीं, फैजाबाद बोलते थे, बोलते थे, अब अयोध्या है। कैसा लग रहा है अयोध्या बोल? बहुत गजब का है, बहुत गर्व होता है, बहुत गर्व होता है हमें अयोध्या बोल के। फैजाबाद बोलने में गर्व नहीं होता था? तब नहीं होता था, मुगलों का वंशज लगना पड़ता था, हम जैसे मुगल के हैं। हाँ, हमारा हमारा जब मेन मुद्दा सुनिए, सपा की सरकार थी, मथुरा के ठीक जलमभूमि के ठीक पीछे पार्क वाली जमीन पर ताला लगा था, अच्छा ज्ञान बापी पर ताला लगा था, योगी जी की सरकार आई तुरंत ताला खुला है। योगी जी ने खुलवा दिया? योगी जी ने खुलवाया है। क्या बात कर रहे हैं? योगी जी ने खुलवाया है। और अखिलेश जी कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। किस तरह से? इधर आइए भाई, इधर आइए। क्या नाम है आपका? सपने में आते हैं भैया, बोलो बोलो नाम, बोलो देख लीजिए ना, बताइए ना। योगेश कुशवाहा। कहाँ से हैं आप? एमपी से। एमपी से? एमपी में क्या लगता है, बीजेपी आप आएगी? जी आएगी। आएगी जी। तो बीजेपी क्यों आएगी, कांग्रेस क्यों नहीं आएगी? ऑप्शन ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों से, और किसी के पास कोई नहीं, नहीं है। अभी तक ऐसी सरकार आई ही नहीं। अच्छा इधर आइए एक मिनट, आपसे एक सवाल है, एक सवाल है आपसे, खत्म करते हैं इसको। हाँ। एक सवाल रहेगा मेरा जाते जाते, कि जो लोग कहते हैं कि मंदिर सिर्फ ब्राह्मणों का है, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ मंदिर ब्राह्मणों का है, उनको क्या कहना चाहते हैं? राम सबके हैं, राम सबके हैं, राम सबके हैं। इस तरह का आप सवाल मत कीजिए, ब्राह्मण क्या? बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा लोग हैं, क्या बहुत सारा सवाल क्या? अरे हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण पुत्र नहीं है। सनातन का मतलब है एक शरीर। हम सभी सनातनी हैं, हम सभी हिंदू हैं, और हमें जाति के सवाल मत क्या करो भाई। कभी राम मंदिर आ जाया करो, कोई ना करो, राम मंदिर में आकर के आप देखा करो, जब पंगत में खड़े रहते हैं श्री राम लीला के दर्शन करने के लिए, अरे कौन वैश्य, कौन शूद्र, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, सभी आपको सनातनी मिलेंगे, जो एक साथ बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए राम लला का मंदिर का द्वार है, वहां से मैं 11:30 बजे रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ का तापमान क्या है। तापमान बहुत हाई है, मोदी जी का जो है लहर चल रहा है और जोरों शोरों से बोल रहा है, सुनामी है, सुनामी सुनामी है भैया, सुनामी। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।